सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वर्तमान में सुख लेने का प्रयास करिए। भविष्य बहुत कपटी होता है, वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। अक्सर लोग सिर्फ दूसरों को कहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। आज का पंचांग 19 मार्च 2023 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 8:07 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 10:04 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:56 से 6:26 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 11:17 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। धनु राशि 19 मार्च 2023 दिन रविवार, आप एक साधारण आदमी है और इसीलिए आप संबंधों में कोई चलाकी नहीं करते, इसे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चलाकी के स्थान पर आपकी सफलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। इस समय वित्तीय योजना संबंधित अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें, यह आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संपर्कों के माध्यम से आपको कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके लिए प्रेरणाप्रद रहेगा। योजनाओं की चर्चा किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें। आर्थिक चिंता रहेगी, लेकिन नुकसान वाली स्थिति नहीं है। अन्य लोगों के आपके जीवन में बढ़ रही दखल अंदाजी के कारण तकलीफ हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में चुनिंदा लोगों के साथ ही चर्चा करें। विदेश संबंधित काम प्राप्त करने के लिए वक्त लग सकता है। हर एक दस्तावेज ठीक से परखें। पुराने रिलेशनशिप से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करें। सर्दी की समस्या अधिक रहेगी। सावधानियां, जल्दबाजी की वजह से किसी मुसीबत में पढ़ने के बजाय बेहतर है कि सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। संतान पक्ष को लेकर भी कोई चिंता रह सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। अपने बजट से अधिक खर्च ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल लें। घर के सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम भाव बना रहेगा, परंतु विवाहित संबंधों का प्रभाव आपके घर की सुख शांति को भंग कर सकता है। बात करते हैं करियर की। व्यवसायिक स्थल पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। लापरवाही से कर्मचारी अपना ध्यान काम पर नहीं देंगे। इस समय नया काम या योजना कामयाब नहीं रहेगी। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक के साथ सौम्यता से पेश आए। आज आपको उत्तर के दिशा में एक व्यापारिक यात्रा करनी पड़ सकती है। एक बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं तो पूर्वार्ध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बात करते हैं सेहत की। आपने अभी हाल फिलहाल ही अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन किए हैं और आज से उनका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप शायद कोई प्रतियोगिता जीतें या पहले से और अच्छा प्रदर्शन करें। उन बदलावों से आपकी त्वचा को विशेष लाभ होगा। आपकी फुंसियाँ ठीक हो जाएगी।
या आपकी त्वचा खूबसूरत तरीके से टेंड दिखेंगे। आप स्वस्थ महसूस करेंगे और दिखेंगे भी। आज का उपाय, आज आप स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दे, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।